जो बीजेपी का 2024 का 400 पार का जो फिल्म था वो फर्स्ट डे ही जो है सुपर फ्लॉप हो गया है बिहार की जनता जागरूक है और इनको इस बार सबक सिखाएगी कोई टक्कर नहीं है और हमने कई बार कहा है कि बिहार जो है इस बार चौंकाने वाला रिजल्ट देगा हम लोगों ने वादा किया है कि हम लोग बिहार को विशेष राज्य के दर्जे के साथ साथ विशेष पैकेज भी देंगे केंद्र सरकार बहाली नहीं निकाल रही सबसे ज़्यादा बाहली सेना और रेलवे में निकलता था वो भी चौपट हो गया ये लोग जो कहते हैं कथनी करनी में भारी अंतर है तो इनके आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा देखिए चारों सीट जो है हम लोग जीत रहे हैं महागठबंधन जीत रही है और बहुत ही अच्छा पोजीशन है हमने तो ब्लॉक वाइज मीटिंग की है जो फीडबैक आया है बहुत ही बढ़िया आया है और वन साइडेड आया है जो बीजेपी का दो का चार पार का जो फिल्म था वो फर्स्ट डे ही जो है सुपर फ्लॉप हो गया है और काट की हांडी जो है बार बार नहीं चढ़ती है और ये जो बीजेपी का जो जुमलों का जो पहाड़ था ये दह चुका है तो इस बार जनता जो है समझ चुकी है और बिहार की जनता जागरूक है और इनको इस बार सबक सिखाएगी आप खुद भी हर जगह ज्यादा क्या रैली करते हैं ठीक है कई कंट्रोवर्सी भी हुई है कई दिन से जमुई को लेकर चला सब कुछ हुआ उसके बाद <coughs> क्या लग रहा है कि टक्कर है क्योंकि वो लोग कह रहे हैं नहीं, नहीं 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 कोई फर्स्ट फेज में कोई टक्कर नहीं है और हमने कई बार कहा है कि बिहार जो है इस बार चौंकाने वाला रिजल्ट देगा बिहार की जनता के लिए इन लोगों ने कुछ नहीं किया चाहे इनकी सो कॉल्ड डबल इंजन की सरकार जो एक भ्रष्टाचार में है एक इंजन और दूसरा जो है आप कह सकते हैं कि अपराह में अपराध में ये दो इंजन जो है सुपर जो है लोग इससे दुखी हैं सत्रह साल में इन लोगों ने कुछ नहीं किया और जो भारत सरकार दस साल में मोदी जी ने 2014 में कुछ और कहा था वो पूरा नहीं हुआ उन्नीस में कुछ कहा था वो पूरा नहीं हुआ चौबीस में चार सौ पार कर रहे थे फर्स्ट डे ही जो है इनकी फिल्म सुपर डुपर फ्लॉप हो गई तो अब जनता जो है ऊब चुकी है इनके जुमलों से इनके झूठे वादों से बिहार की जनता इनको पहचान चुकी है बिहार को इन्होंने विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया और इस बार अद्भुत है कोई जिक्र भी नहीं कर रहा चाहे माननीय मुख्यमंत्री हो या भाजपा के नेता हो कोई भी बिहार को विशेष राज्य दिलाने की मांग नहीं करना हम लोगों ने वादा किया है कि हम लोग बिहार को विशेष राज के दर्जे के साथ साथ विशेष पैकेज भी देंगे विशेष पैकेज में लगभग एक लाख साठ हज़ार करोड़ यानी एक लोकसभा वाइस चार हज़ार करोड़ रुपए जो है एक लोकसभा क्षेत्र में दिया जाएगा तो उस हिसाब से हम लोग जानते हैं बिहार की ज़रूरत क्या है और बिहार जानता है कि कौन उनका काम पूरा करेगा हम लोगों ने सत्रह महीने जो प्रण लिया था नौकरी देने का उसको हम लोगों ने पूरा किया पाँच लाख सरकारी नौकरी हम लोगों ने दिया तो सब बिहार की जनता पूरी तरीके से इस बार जो लोकल इश्यूज हैं वो बहुत हावी है जो लोकल मुद्दा है स्थानीय मुद्दा जो है बहुत हावी है और इसी पे पूरे बिहार का चुनाव हो रहा है आ, एक तरफ आप कह रहे हैं कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं सारे सीट जीत रहे हैं आप अकेले एक तरह से महागठबंधन में बिहार में आप रैली कर रहे हैं अब आएंगे आपके नेता लेकिन उनके तरफ से तो बड़े बड़े नेता आ रहे हैं फिर कल नहीं, नहीं आज 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 हम लोगों की रैली जो है राहुल गांधी जी के साथ है भागलपुर में है आज हम लोग जो है जॉइंट रैली करेंगे और हम लोग सब लोग मिल बांट करके हम लोग काम कर रहे हैं पूरा महागठबंधन एकजुट है इंडिया अलायंस एक है और इस बार अच्छे परिणाम हम लोगों के पक्ष में बिहार देने का काम करेगा अब बिहार में रैली कर रहे हैं इनको से मिल रहे हैं क्या मुद्दे आपको दिख रहे हैं बिहार में से क्या देखिए बेरोजगारी तो सबसे बड़ा मुद्दा है महंगाई है गरीबी है बिहार में निवेश का मुद्दा है बिहार में कारखाने लगने चाहिए पलायन का मुद्दा है कुछ जगह बाढ़ का मुद्दा है तो अलग अलग जगह अलग अलग बिहार में जो समस्या है लेकिन अहम बात बेरोजगारी गरीबी महंगाई ये जो है असल मुद्दा है तो लोग त्रस्त हो चुके हैं केंद्र सरकार बहाली नहीं निकाल रही सबसे ज़्यादा बहाली सेना और रेलवे में निकलता था वो भी चौपट हो गया आठ दस साल से रेलवे में भी कोई अच्छी बहाली नहीं आई है सब कुछ प्राइवेटाइज कर दिया इस बार का ट्रेंड कुछ अलग दिख रहा है चुनाव का वोटिंग का देखा जाए या वोट इस बार भाजपा के लोग बड़े परेशान हैं उल बोल रहे हैं उपलब्धि तो है नहीं और बोलते हैं कि संविधान को खत्म करेंगे जो संविधान को खत्म करेगा वो खुद खत्म हो जाएगा ये बाबा साहब अम्बेडकर का लिखा संविधान है सबको मान सम्मान है सबको अधिकार दिया गया है इसलिए भाजपा के लोग चाहते हैं कि भाई इनका मंसूबा पूरा हो जाए लेकिन बिहार की जनता देश की जनता इनके मंसूबों को पूरा नहीं होने देगी आज आप लोग की बड़ी रैली है कल अमित शाह आ रहे हैं पटना क्या कहना चाहेंगे बराबर वो आ रहे हैं अब देखिए कई बार आ चुके हैं, अमित शाह तो पहले आए थे जब नीतीश जी नहीं थे उनके साथ तब कहते थे नीतीश जी नीतीश बाबू आपके लिए दरवाजे हमेशा के लिए, लिए बंद है खुल गए तो ये लोग तो झूठा पार्टी है ये लोग जो कहते हैं कथनी करनी में भारी अंतर है तो इनके आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा जितना इनके नेता आएंगे उतना हमारा वोट बढ़ेगा नीतीश जी भी कह रहे हैं कि हम कभी नहीं जाएंगे बीजेपी में आज बोल रहे थे और फिर कह रहे थे कि बहुत काम किए हमको भी वोट मेरे साथ जब खड़े होकर के आप ही लोगों को स्टेटमेंट देते थे तो क्या बोलते थे मर जाएंगे मिट जाएंगे लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे बोलते थे कि देखो बीजेपी वाला इनको फंसा दिया झूठा मुकदमा कर दिया फालतू का रेट करता तो ये बातें तो हैं ही उनको शिकायत है कि आप बहुत ज़्यादा न्यूज में रहते हैं उनको कुछ नहीं हमारे अभिभावक हैं बुजुर्ग हैं सम्मान था सम्मान हमेशा उनके लिए रहेगा कुछ लोग उनके दल में जो हैं वो नहीं चाहते कि हम लोग साथ रहें इस वजह से उनको मैनिपुलेट करके इधर से उधर ले गया, गया जब एक दिन किताब हम लिखेंगे